हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। नए से एक ब्लॉग में आपका स्वागत है। नमस्कार, शादी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये शाम का वक्त है, मैं ट्यूशन से लौट आई हूँ और इवनिंग वॉक के लिए हम लोग पार्क में आए हैं। ये शाम 5:30 और 6 बजे के बीच का है। फ्रेंड्स, ये अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो बच्चे अपने माँ बाप के साथ में आते हैं और यहाँ पर दादा दादी लोग भी यहाँ बैठते हैं और यहाँ पे सबका एक ग्रुप होता है और वो थोड़े गप्पे मारते हैं। लगभग यहाँ 7:30 बजे तक यहाँ रहेंगे, फिर अपने अपने घरों को चले जाएंगे। बच्चों के जो अभी खेलने के बाद में जो घर ले जाने का जो समय रहता है वो देखते ही बनता है। बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, तो वो देखने के लिए बहुत मज़ा आता है। तो वही हम लोग भी थोड़ा बैठ करके इन्जॉय कर रहे थे इन चीज़ों को। देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ, सब दादा दादी लोग भी बैठे रहते हैं और कुछ महिलाओं का दल रहता है तो कुछ पुरुषों का दल रहता है। तो और जो गंगा के घाट के उस तरफ का जो सीन है वहाँ पे तो यंग बॉयज़ लोग रहते हैं, गर्ल्स लोग रहते हैं, लेकिन इस तरफ में है पूरा सेफ एरिया। यहाँ पर दादा दादी लोग केयर भी करते हैं बच्चों की, वो खेलते हैं, पेरेंट्स बैठते हैं, बैठने का जगह है, बहुत अच्छा लगता है। ये अभी शाम के वक्त में थोड़ा सा अभी सभी लोग यहाँ पे आगे थोड़ा बैठना चाहेंगे। यहाँ पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हैं तो ये हरियाली भी बनी रहती है, सुंदर ठंडा हवा भी रहता है, तो बहुत मस्त लगता है। ये पार्क ऐसा है कि जो यहाँ पर एक बार आता है तो उसे रेगुलर आने का मन ही करेगा। मेरे सास ससुर को भी यहाँ आना बहुत पसंद था। जब वो अच्छे थे, उन्हें चल फिर पाते थे, तो यहाँ आकर घंटों बैठा करते थे। कुछ खाना पीना, जैसे कुछ कुरकुरे वगैरह खाते थे दोनों मिलकर के। मेरी बच्ची आती थी साथ में उनके, तो दादा दादी के साथ में बहुत इंजॉय करती थी, यहाँ खेलती थी, यहाँ पर दादा उनको यहाँ पर खिलाते थे। तो यही सब चीज़ मुझे भी याद आता है। फ्रेंड, मैं जब घर आ गई ना, तो घर आकर जल्दी जल्दी खाना बैठा दी। यहाँ पर छोटे छोटे मछलियाँ लाए हुए थे मेरे हस्बैंड, तो इसको मैं आलू बैगन के साथ में बैठा दी, थोड़ा प्याज का तड़का लगाई, प्याज और तेज़पत्ता का, और ये मछलियाँ मैंने एक साइड में भून लिया और इसको पहले तरकारी एक साइड बैठा दी क्योंकि देर हो जाएगी करके। तो मैं जल्दी जल्दी बैठा दी, मेरे हस्बैंड चावल खाते हैं तो मैंने साइड पर चावल भी बैठा दिया और मैं अपने लिए दो रोटियाँ भी बना ली इसी बीच में काम करते करते। और यही तो है, इसमें तो ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, तो मैंने ये सब्जी थोड़ा ज़्यादा ही बना ली थी मॉर्निंग के लिए भी। और ये थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया मैंने। रात के वक्त सब्जियाँ थोड़ा सा बनाने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है, इसमें थोड़ा मसाला वसाला भी मैं थोड़ा कर लेती हूँ। अदरक लहसुन ये सब अगर पीसना रहता है तो मैं सब इसको छिलके वगैरह निकाल के रेडी करके रख लेती हूँ। रात ही में सब्जियाँ वगैरह भी काट लेती हूँ, और काटने के लिए फिर हाथ वगैरह कट जाते हैं तो और तकलीफ़ हो जाती है, इसलिए मैं रात में आराम से बैठ करके पहले साफ़ कर लेती हूँ और काट के धो धो के फिर फ्रिज में रख देती हूँ। तो मॉर्निंग में मेरे को लगभग आधा एक घंटा लगता है, दो सब्जियाँ बना लेती हूँ दोनों कढ़ियाँ, तो जल्दी जल्दी पक जाता है। तो लगभग 1.5-2 घंटे में मेरा सुबह का खाना वाना पूरा कम्प्लीट हो जाता है आराम से। फ्रेंड, अभी तो ठंडियाँ जा रही हैं, तो अभी ये थोड़े लहसुन को मैंने पीसा है, काली जीरा है और ये कच्चा मिर्ची, इसको हम भून लेते हैं। भूनने के बाद में थोड़ा सा पेस्ट करूँगी और सूखा सूखा ही पेस्ट करना है और गरम चावल के साथ खाने के लिए। ये मॉर्निंग का खाना बन रहा है, शुरू हो गया है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जीरा और तेज़पत्ता का तड़का लगाया है और ये फिश हेड जो है मैंने भून लिया है और एक साइड पे, और यहाँ पर मैंने ये पपीता कच्चा वाला होता है ना, ये घरी का है पपीता और ये थोड़े साइज़ के छोटे हैं, तो फिर भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छे मीठे भी हैं। कुछ पक रहे हैं, कुछ कुछ कच्चे वाले हैं, अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो पक जा रहे हैं, तो चिड़ियाँ भी नहीं खाती हैं, छोड़ दी हैं, बहुत सारे हैं करके। तो मैंने इसको ऐसे ही पपीते, कच्चे पपीते की सब्ज़ी वो फिश हेड के साथ में बना रही हूँ। और ये पास में फोली बोल करके एक मछली का नाम होता है, बंगाली में बोलते हैं, तो ये फोली माछ को मैं भून रही हूँ अच्छे से। स्लोली करके भूनना पड़ेगा, ज़्यादा तेज करेंगे तो फिर ये जल जाएगा और अंदर से फ्राई नहीं होगा, तो थोड़ा भूनता है मछली। तो यहाँ मछली को भी मैं तड़का लगा रही हूँ काली जीरा और जीरा तेजपत्ता के साथ में, और यहाँ पे पेस्ट करके रखी हूँ आधा और थोड़ा सा जीरा और कच्चा मिर्ची मैं उसके ऊपर में ऐसे ही थोड़ा सा कूट करके डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का करके 5-6 मिर्चा ऐसे ही छोड़ दूँगी इसमें, पर ये बहुत हल्का से बनाऊँगी, ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालूँगी और इसको स्लो करके बैठ। और इसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी और नमक पहले से ही मसा
प्याले में डाल के रख देती हूँ, और नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ उसके बाद में, या तो फिर नमक छूट जाता है या फिर हल्दी छूट जाता है, तो इसलिए मैं इसमें एक साथ ही सब कुछ डाल के रख देती हूँ। आज सुबह ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं बनाई हूँ, यहाँ पर मैं चावल में ही करेला दो तीन डाल के रखी हूँ छोटा छोटा, और थोड़ा सा बैंगन का हिस्सा और एक छोटा सा आलू डाल के मैं उसको उबालने बिठा दी थी चावल में। चोखा ना वो चावल में अगर डालेंगे ना उबालने के लिए तो उसका स्वाद अलग आता है, और पानी में ऐसे अलग से उबालेंगे ना तो स्टीम का टेस्ट बिल्कुल अलग आ जाता है। वैसे भी थोड़ा कम ही खाना है तो मैं इसीलिए थोड़ा सा चोखा भी बैठा दी, करेला वैसे भी मेरा फेवरेट है तो मैं करेला भी थोड़ा सा इसमें डाली हुई हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। हम लोग तो स्पेशली मेरे घर में हम लोग फिश करी में भी थोड़ा सा छोटा छोटा वाला जो करेला होता है ना वो एक दो पीस मैं मछली में भी डालती हूँ, वो जब मैं बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। हमारे घर में तो स्पेशली चोखा जब भी बनाते हैं तो कच्चा प्याज, कच्चा तेल और कच्ची मिर्ची इसके साथ में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी कभी सूखे मिर्ची वाली जो सूखा मिर्ची को हम तेल में जो भूनते हैं ना उसका चोखा भी अगर बनाते हैं तो आलू के साथ वो भी अच्छा लगता है, लेकिन खासकर मेरे घर में करेला के साथ में जब भी बनता है तो हम कच्चा प्याज, कच्चा मिर्ची, धनिया पत्ता ये सब डाल के तभी मैश करते हैं, तो वो गर्म चावल या रोटी के साथ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैंने सब रेडी कर लिया हुआ है तो ये सब टिफिन के लिए जाएगा आज लंच में, यही है हमारा आज का दोपहर का लंच। और वो छोटे वाली जो सब्जी है वो मैं गर्म बिठाई हूँ तो इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रही हूँ। मेरे हस्बैंड अभी मॉर्निंग का टिफिन कर रहे हैं और मैं तुरंत वैसे ही भाग कर गई हूँ थोड़ा सा सब्जी लाने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही बैठे हुए हैं और खाना नहीं चाह रहे हैं कुछ, और तो मैं उनके लिए जो मिला वही लेके आ गई। और ये अभी मेरे थोड़ा टाइम बचा हुआ था, मैं रात में ये वाला बनाई थी, ये स्ट्रक्चर मैं शुरू कर ली हूँ, और ये सुबह मेरे को जब काम ख़त्म हो जाता है तो ये टाइम मिलता है तो मैं इसको पूरा कर लूँगी। जब कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड तो मैं ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँगी ये वाला। ये एक और मैंने बनाया था, ये बहुत खूबसूरत है, बनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए काम करने के बाद बच्चों के साथ थोड़ा खेल रही हूँ, अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना। और ये बच्चे ना मेरे बेर खा रहे हैं, देखिए कितने प्यार से बेर खा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगा। मैं अपनी बच्ची को भी फोन में बोल रही कि वीडियो में देख बच्चा देख कितना सुंदर खा रहा है मेरा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आप लोग सब बहुत अच्छे से रहिएगा। अच्छा लगे ये वाला ब्लॉग तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपना सपोर्ट मुझे बनाए रखिएगा। नमस्ते, बाय फ्रेंड्स।